देश भर में बर्ड फ्लू की दहशत है और इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए सभी तरह की कोशिश करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बात जमीनी हकीकत की करें तो ये हवा हवाई लगते हैं। इसका एक नमूना निवाड़ी में भी दिखा है, जहां वेटनरी ऑफिसर को मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भोपाल पहुंचाने बाइक से 350 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। दरअसल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील के सोरका गांव में 2 दर्जन से ज्यादा चिड़िया मृत पाई गई थी। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनके सैंपल एकत्रित किए, उसके बाद सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजने की जिम्मेदारी पृथ्वीपुर के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी आरपी तिवारी को दी गई। तिवारी ने बस का टिकट बुक कराया, लेकिन वो घर से सामान लेकर जब बस स्टैंड पहुंचे तब तक बस निकल गई थी। उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने बेटे को बुलाया और बाइक से ही भोपाल जाने का फैसला किया। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच पिता पुत्र बाइक चलाते हुए भोपाल पहुंचे। वेटनरी ऑफिसर ने झांसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन का रिजर्वेशन कराने का भी प्रयास किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बस में टिकट बुक कराया, लेकिन बस छूट गई। शनिवार सुबह 6 बजे वो दोनों लोग बाइक चलाते हुए भोपाल के लिए निकले हैं। रास्ते में बारिश होने के कारण कई जगह रुकना पड़ा। वेटनरी ऑफिसर तिवारी की कर्मठता की तो सराहना देनी चाहिए, लेकिन ये एक नमूना है कि हमारा प्रशासनिक तंत्र कोरोना को लेकर कितना मुस्तैद है। पृथ्वीपुर से आए थे बर्ड फ्लू के सैंपल लेकर। कब की घटना है, क्या हुआ था? ये परसों की घटना है। रात के 8 बजे हमें बताया कि तुम्हें लेकर जाना है, और उस समय संपर्क किया तो कोई ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हो पाया। फिर सोचा बस से जाएंगे तो बस भी नहीं पकड़ सकते, टीकमगढ़ से थी 10:30 बजे बस। सुबह निकले हम 6 बजे लगभग, सैंपल उठाए वहाँ से आगे चले। रास्ते में पानी गिर रहा था। कैसे आए थे? बाइक से चले।